नमस्कार दोस्तों, हम सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट विकास में। आज हम बात करने जा रहे हैं एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में। एनटीपीसी लिमिटेड जो है 363 पे मार्केट क्लोज हुआ, और जाते वक्त इसमें 34,000 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स के लिए इसमें स्पेलिंग सेलिंग पोजीशन बनाई है, जो कि कल के मार्केट में थोड़ा दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई है उसको लेकर। पहले गवर्नमेंट का क्या कहना है कि डाई इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एनटीपीसी का और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 100 डे एजेंडा, मतलब कि जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट होता है और इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है, तो अनाउंसमेंट का डेट जो है 4 जून का है, और 4 जून के से 400 दिन के अंदर 100 दिन के अंदर ना एनटीपीसी और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का डाई इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का करना है। और इनका जो प्लान है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद में जो है इंडिया एज डेवलप्ड नेशन ऑफ बाई द 2047, डेवलप्ड नेशन मतलब ये डेवलपिंग में और डेवलप्ड में बदलना है अपने आप को, ऐसा इनका एक टारगेट है उसके लेकर कहना है। और दूसरा चीज़ है एनटीपीसी का क्या कहना, तो अभी एक रिपोर्ट आया है एनटीपीसी का कहना है कि एनटीपीसी टू ऐड 5 GW पावर जनरेशन कैपेसिटी इन FY24। अभी 24 चल रहा है, 25 तक ना इसमें 5 GW पावर जनरेशन कैपेसिटी इनको ऐड करना है, ऐसा इनका कहना। तो ये भी एक बुलिश ट्रेंड है। हम वो ट्रेंड टेक्निकल चार्ट्स पे आपको लेकर चलता हूँ। मैं टेक्निकल चार्ट्स में भी आप देखिए कितना तरह कितना एक लॉन्ग टाइम एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिला है, और बुलिश ट्रेंड जो है अभी ऑल टाइम हाई पे, जैसे कि पहला एक हाई कितने का बना था 358 का, और अभी तो मार्केट चल रहा है क्लोजिंग जो दिया है 362 का, तो ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो अभी इसमें क्या देखने को मिल सकता है। तो हमारा अभी सपोर्ट एरिया जो रहेगा ना 358 का रहेगा यहाँ दोस्तों, ये एरिया जो है ना 358 छोड़ो, ये इस कैंडल का लो ले लेते हैं, ब्रह्मा 354 का एक लो है, ये हमारा सपोर्ट एरिया रहेगा। और कैंडल जो आज का ये क्लोजिंग दिया है रेड कलर में, अगर कल का कैंडल क्लोजिंग अगर इसके नीचे होती है बराबर, तो आप माना थोड़ा इसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगा, तो 354 तक का हमको डाउन साइड इसमें देखने को मिल सकता है। और ये जब यहाँ से रिवर्सल लेगा तब हमको 380 फिर हमें 400 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और ये अगर एक के नीचे एक कैंडल क्लोजिंग कर रहा ना, तो ये ध्यान रखना 354 तक का है। बाय सेलर को रिकमेंडेशन है, चैनल पर बार तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।